Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. फुटबॉल, क्रिकेट, कराटे और दीगर खेल निसाबी सरगर्मियों से हटकर लड़कियों ने खेल का मैदान सजा लिया। कराची की निजी यूनिवर्सिटी में सजा स्पोर्ट्स गाला, जहां सिन्फ नाजुक खेल के मैदान में उतरी तो साबित किया कि वो भी किसी से कम नहीं। कहीं चौके छक्कों का शोर तो कहीं फुटबॉल के गोल। इससे जो है ना, हम लोग एक्टिव रहते हैं, स्टडीज तो ऐसे लगता है कि मतलब बोझ आ गए कभी कभी हमें ऐसे लगता है, लेकिन जब ये जो स्पोर्ट्स आता है तो ये सारी थकावट हमारी उतार देता है। हम जो है वो स्पोर्ट्स से बहुत दूर हो गए, हम आउटडोर गेम से बहुत दूर हो गए, तो ये हमने आज जो है स्पोर्ट्स का जिसमें डिफरेंट गेम्स है जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। लड़कियां कहती हैं कराटों में भी महारत होनी चाहिए ताकि अपना दिफा कर सके। सब कर सकती हैं लड़कियां और ये करना चाहिए उन्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज लड़कियों को आनी चाहिए कराटे और टाइकोंडो। फीमेल्स को तो सेल्फ डिफेंस बल्कि सीखना चाहिए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों को, छोटी बच्चियों को स्कूल्स में क्लासेस में कराटे क्लासेस मस्त होनी चाहिए ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। खवातीन की निजी यूनिवर्सिटी में सजा स्पोर्ट्स गाला कल तक जारी रहेगा। बला का जोश बलबला दिखाती है तालबात हैं जिना यूनिवर्सिटी की, जो सपोर्ट कर रही हैं दो रोजा स्पोर्ट फेस्टिवल में शामिल अपनी टीम को। ऐसे इवेंट्स और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमें ना करते रहना चाहिए ताकि गर्ल्स को भी आगे सपोर्ट मिले। शोरगुल, सेल्फीज और साथ साथ जुनून की हद को छूता खेल कूद, स्पोर्ट फेस्टिवल में शरीक तालबात का हार तस्लीम न करने के लिए खूब लगन के साथ खेलने का जज्बा काबिले दीद था। ये बहुत अच्छा इवेंट है और गर्ल्स की विल पावर जो है वो बाहर आती है और उनको चांस मिलता है कि वो आगे अगले बड़े गेम्स में भी खेल सकें। यूनिवर्सिटी के इस इवेंट में दिमाग लड़ाने के लिए स्क्रैबल भी खेला गया और थ्रो बॉल की सूरत में जिस्मानी वर्जिश के मुकाबले भी हुए। अब गैर निसाबी सरगर्मियां ना सिर्फ दिमाग की बेहतरीन नशोनुमा करती हैं बल्कि एक सेहतमंद मुकाबले की फिजा भी पैदा करती हैं। कैमरामैन मसरूर खान के साथ हामिद उर रहमान, दुनिया न्यूज़, कराची।